मैं शुरू करता हूँ शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ गुरु ऐप पे, ठीक है। ये गुरु ऐप है और यहाँ पे देख लीजिए मैंने ये कॉल ऑप्शन फूड ऑप्शन खरीदा है। बताऊँगा कॉल ऑप्शन फूड ऑप्शन क्या होता है। ये मैंने इक्विटी ट्रेड खरीदा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है और फिर क्या होता है, ठीक है। पहले बता देता हूँ इक्विटी क्या होता है। इक्विटी वो होता है, पहले मैं मार्केट तो ओपन हुआ सबसे शुरू से शिकागो बोर्ड एक्सचेंज में ओपन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिकागो बोर्ड एक्सचेंज, ठीक है। वहाँ से ओपन हुआ था एक ब्रिक्स के बीच, जिस बिजनेसमैन को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, लोन की ज़रूरत पड़ती थी, बिजनेस में लॉस हो जाता था वो तो और सारे लोग से पैसे लेते थे और फिर कहते थे कि मगर अगर प्रॉफिट किया तो हिस्सेदार दूंगा अपनी कंपनी को, ये मेरा ये बिजनेस है और ये सब सारा कुछ फंडामेंटल बताते थे इसको, ये करता हूँ मैं। उसके बाद कुछ पैसे दोगे तुम, जितना प्रॉफिट होगा उतना तुम्हें मिलेगा, जितना लॉस होगा उतना लॉस होना पड़ेगा। तो यही हुआ, ये बढ़ते 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 शुरू होते गया, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊँगा, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ स्टॉक पे, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ डायरेक्ट या हर्षद मेहता का स्टॉक पढ़ेंगे तो उसका फंडामेंटल में वो दो ही चार स्टॉक था। कौन सा था? टाटा मोटर का स्टॉक था उसके पास। क्या था टाटा मोटर का स्टॉक? जो पेंडिंग स्टॉक थे उस समय 1992 में टाटा स्टॉक टाटा मोटर था। इसे पता था कि मोटर फील्ड आगे चलेगा, मोटर फील्ड क्या होगा आगे चलेगा। सच में उसका कहना एकदम सही था और टाटा मोटर चला भी। उसके बीवी के होल्डिंग में कुछ स्टॉक पड़े थे, ये पेंडिंग स्टॉक, जो कि अभी कम से कम कितने रुपए पे उसने लिया था, 15-20 रुपये लिया हुआ था। 1992 का बात है यार, ये तो कुछ उसी समय का बात है, ये तो 2002 में कुछ हुआ तो इसीलिए ऐसे है। NSE में BSE से चेक करता हूँ। यहाँ पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊँगा और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे ये 30-35 रुपये में स्टॉक खरीदा था 1992 में। वो 2-4-5 रुपये में चेक करता था। ये रहा इन्वेस्टमेंट। अगर आप टाटा मोटर लगता है, टाटा मोटर आगे का फील्ड पे, टाटा मोटर जैसे गाड़ी हो गया, बहुत सारे मैनुफैक्चरिंग करता है, ऐसे टाटा मोटर का बहुत बड़ा मार्केट कैप है, दमदार टाटा मोटर है, ठीक है। उसके बाद अगर पहले तो मैं शुरू करूँगा इन्वेस्टमेंट से। बहुत सारे लोग करते क्या, जिसके पास पैसे होते हैं वो ये तो देखिए, या तो ब्याज मूलधन पर लगाएंगे तो उसको 5% मिलता है, या फिर SIP कराएंगे तो 15-20% मिलेगा, या फिर बैंक में धरेंगे तो पैसा वही 2-3% मिलता है बस, ज़्यादा मिलता नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोग बैंक में पैसे, मोटे पैसे नहीं रखते, मोटे पैसे स्टॉक में लगा देते हैं, कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं कि लोग वो सब हुआ तो मेरा पैसा 2-3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये मैं देखता हूँ स्टॉक में। पहले बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले क्या बताता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। 2-4-5 साल का चेक करके लेते हैं, एनालाइज करके लेते हैं कि स्टॉक में कौन सा स्टॉक आगे का फ्यूचर है, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। ये करके इन्वेस्ट करके लेते हैं। पहले फंडामेंटल देखते हैं, एनालाइज देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने के लिए तुमको सर्च करना पड़ेगा ना, टाटा मोटर्स देख लूँ, शेयर प्राइस सर्च करता हूँ मैं। screen.com होगा यहाँ पे, स्क्रीन मनी कंट्रोल नहीं, screen.com पे जाता हूँ मैं। वहाँ पे ग्राम नंबर आपको पता चलेगा, ग्राम नंबर होता क्या है, ठीक है। ग्राम नंबर होता क्या है, उससे ग्राम नंबर से पता चलता है कि मार्केट का एक्चुअल प्राइस क्या है, मार्केट का एक्चुअल प्राइस क्या है। ग्राम नंबर वो नंबर होता है अर्निंग पर सेल, फिर स्टॉक होल्डिंग पर सेल अंडर रूट करके ये निकलता है ग्राम नंबर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ पे मनी कंट्रोल में जाता हूँ, ठीक है। मनी कंट्रोल टाटा मोटर का स्टॉक, ये क्या है टाटा मोटर का स्टॉक। तो यहाँ से लोग सर्च करेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट एडवांस चार्ट पे क्लिक करेंगे आप,
मनी कंट्रोल पे मैं ज़्यादातर वेबसाइट मैं ज़्यादातर समय मनी कंट्रोल और फिर ट्रेडिंग व्यू और वो चार्टिक भी गुजरता था। पहले मैं तो ज़्यादातर टाइम यूट्यूब इंस्टाग्राम रील देखने में गुजरता था, ज़्यादातर मनी कंट्रोल ये सब में गुजरता हूँ। पहले यहाँ पे देखता हूँ मैं ग्लोबल मार्केट क्या है, उसकी ग्लोबल मार्केट ने क्या किया आज, उसके बाद देखता हूँ इंडिया मार्केट में क्या करने वाला है। ठीक है, ये तो बाद में बताऊँगा, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तब देखता हूँ ग्लोबल मार्केट, इंडिया मार्केट। ठीक है, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, वीडियो, इन्वेस्टमेंट, नाउ सब्सक्रिप्शन। तो डायरेक्ट में चलता हूँ, यार क्या बता रहा था मैं, हाँ मैं बता रहा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। मार्केट कई प्रकार के होते हैं, मार्केट में पैसे कई तरह से कमाए जा सकते हैं। मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स हैं, कितने हैं, बहुत सारे सोर्स हैं। पहला तो बता दो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसे लगा दो, 4-5 साल तक पहन दो, पहले स्टॉक में खरीदो, यहाँ पे टाटा मोटर में लगा देते हैं आप पैसे। यहाँ पे अगर आपको टाइम नहीं है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने के लिए, तो यहाँ पे लगा दो आप। 71 रुपये में खरीदे होते 2020 में, तो आज ये कम से कम हो गया, 2023 में ये 7 रुपये हो गया, 71 रुपये 700 रुपये हो गया, 71-75 रुपये 700 रुपये ऐसे करके चले। जब भी मार्केट गिरता है ना तो तब खरीदा करो, जब भी मार्केट गिरता है तो खरीदना करो, हमेशा टॉप में मत खरीदा करो। जैसे भी टाटा मोटर टॉप पे है, ये लगेगा मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, इसमें जितना दिन तक बढ़ रहा है तो खरीद लो, अगर लग रहा है मार्केट गिर जाए, बात खत्म, उसका कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो हम बता दें, पहला तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा है, पहला तो इन्वेस्टमेंट है, 5 साल तक पैसे को लगा के छोड़ दो और पैसा 2-3 गुना 10 गुना हो जाएगा लॉन्ग टाइम पे। लॉन्ग टाइम पे रिस्क बहुत कम होता है आपका पैसा डूबने का। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बात तो ये होता है ना, मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे नहीं होता है, वो पैसे लेता है बैंकर से और बैंकर से 5,000 लिए और 6,000 लौटा भी दिए, तब भी पूछे सवाल तो खड़ा हो जाता है, पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास इतना, हर सब पैसा की तरह 500 करोड़ लिया और लौटा भी दिया, तो सवाल ये उठता है कितना पैसा आया कहाँ से, यही होता है ना मिडिल क्लास लोगों के पास, यही होता है सवाल उठता है आखिर पैसा आया कहाँ से इतना सारा। वो तो बात दूर की है, चलो मैं बताता हूँ। ये तो है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में हम खरीदते हैं, डिलीवरी में शेयर लेते हैं, डिलीवरी में मेरे पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टर के बारे में। मुझे लग रहा है पावर का शेयर पड़ जाएगा, क्या है आने वाला समय, चाहे टाटा पावर है ये है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा, क्योंकि पावर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार आ रहा है, ये सब AI का सिस्टम आ रहा है, रोबोट आ रहा है, तो पेट्रोल प्रदूषण के कारण ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैंने पावर का कुछ शेयर खरीद के रखा था, मैंने वो 2 गुना हो गया, मैं आपको बताता हूँ, कौन सा शेयर मेरा 2 गुना हो गया, अभी नहीं यार कुछ समय पैसे खरीदा था मैंने, ये मेरा कुछ होल्डिंग में शेयर पड़ा हुआ है, ये देख लो, मुझे मैंने बेच दिया, बेच के वो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा था मैं, बेच के क्या करने लगा, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा मैंने, मुझे लगा था ये JP पावर बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि इसके नाम में ही पावर है, कंपनी क्या करती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं ख़रीदा था इसको 7-15 रुपये में ख़रीदा था, 7 रुपये 15 पैसे में ख़रीद के रखा था मैंने इसको, तो मैं बेच देता फ्यूचर ऑप्शन करने के लालच आ गया था, यार बेच दूँ निकल जाता हूँ फ्यूचर ऑप्शन करूँगा। आज ये मार्केट हो गया 13 रुपये 10 पैसे, कुछ ही महीने में खरीदा था मैंने, बस वो 3 महीने हो गए, बस 3 महीने में क्या हो गया, पैसा लगभग डबल हो गया। तो इसी तरह मैं छोड़ दूँ, ये 13 रुपये से 50 रुपये 250 रुपये तक पहुँच जाएंगे, तो सच में डबल हो गया। ये देखो मैंने एक शेयर खरीदा था ये वाला, 1.75 रुपये में मैं शुरुआत में सबसे पहले मैंने यही शेयर खरीदा, सबसे पहले मेरे पास पैसे मैंने डाले कुछ 500-600 रुपये, सोचा यार ट्रेडिंग करता हूँ, सीख ही लिया था सारा कुछ, ऐसे ऐसे मैंने ओपन भी कर लिया फ्यूचर ऑप्शन, सोचता हूँ मैंने सोचा यार ट्रेड तो कर रहा हूँ, मैंने बाय करता हूँ, बाय होता है कि नहीं होता है, मैंने इससे ट्रेड किया था, इससे मैंने इसको क्या किया था, बाय किया था, इसमें इसका चार्ट ओपन कर लिया,
मैंने एनालाइज किया इसको पूरा, कम से कम पहले स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। चलो ये बहुत गिर रहा था, ये क्या हो रहा था, बहुत गिरा हुआ स्टॉक था। मैंने सोचा ये बढ़ेगा, क्या होगा लॉन्ग टाइम में बढ़ रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है कुछ। मैंने लॉन्ग टाइम का वो देखा कि मार्केट पूरा गिरा हुआ है, मार्केट बढ़ सकता है। पहले सोचो यार, मैंने एनालाइज करता था पहले, दिन दिन भर चार्ट देखता था, कम से कम 400 का चार्ट देख लेता। मैंने गूगल पे जाता था और पहले वहाँ पे देखता था कौन सबसे हाई है, ये देखो मैंने कैसे किया था। मैं गया गूगल पे और लिखा यहाँ पे सेंसेक्स, सेंसेक्स लिखा शेयर प्राइस और मैं यहाँ पे आ गया। पहले मैं क्या करता था, पहले यहाँ पे आता था और इसको यहाँ पे चेक करता था। मैंने यहाँ पे इस पे गया और इस पे ऐसे करके मैंने जाता था और यहाँ पे जाता था और यहाँ पे इंडेक्स पे कलेक्ट करता था। यहाँ पे यहाँ पे आ गया इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स पे कलेक्ट करता था मैं और यहाँ से मैंने चेक करता था सबसे ज़्यादा एक्टिव शेयर कौन सा है। पहले रिलायंस पावर एक्टिव में था, वही 300 रुपये में एक्टिव रहा कम से कम, उस पर वैल्यू आया कम से कम इतना और अचानक से 31 रुपये से वो 33 रुपये पहुँच गया। यस बैंक कुछ 16 रुपये में ट्रेड कर रहा था, 24 रुपये हो गया, अभी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखो जिस पे ज़्यादा वैल्यू आता है वो एक दो महीने में ट्रेंड बनने लगता है, एक दो महीने में क्या होता है बनने लगता है। पहले तो मैं ये सारा चेक करता था किस पे ज़्यादा वैल्यूएटिव है, किस पे वो है फलना चिलना। 6 महीने तक मैंने तो यही किया, 6 महीने मैंने क्या क्या यही किया पूरा, क्या था इसमें पूरा जो होता है। उसके बाद मैं गेन पे जाता था, आज मार्केट कौन सबसे ज़्यादा हाई लेवल बनाया है देखता था, 19%, 20%, ये सारे को मैंने नोट करता था। कम से कम 10-15 स्टॉक को नोट करके रखता था, यहाँ तक का सारा का नोट किया। उसके बाद मैंने कॉपी किया, उसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया नोट में, ये सारा पेस्ट रहता था। उसके अगली बार भी देखते थे इसमें सारा 5-10% रिटर्न दे रहा है, 30-40% रिटर्न दे रहा है और लॉस को मैंने कवर करता था। लॉस और प्रॉफिट कौन सबसे ज़्यादा लॉस किया, कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया, सबका चार्ट निकाल के देखते थे, सबका चार्ट एनालाइज करते थे, सबका वो करते थे। अब नहीं करते क्योंकि अब हमें पता है मार्केट में 10,000 का लॉस कर चुका हूँ मैं फ्यूचर ऑप्शन करके। अब हमें पता है कि अब हमें फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना है, जब तक हमें कुछ पैसे आना जाते तो मैं फ्यूचर ऑप्शन नहीं करूँगा, मैं बता दिया। ठीक है, तो मैं ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया कि शेयर खरीद के रख लो और उसके बाद 2-3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टाइम नहीं, अगर मार्केट में आपको करियर बनाना है, क्या करना है मार्केट में, अगर आपको करियर बनाना है तो आप एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और चौथा होता है फ्यूचर ऑप्शन और पाँचवा होता है स्कैल्पिंग। ने क्या क्या बोला, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और फिर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग और फिर स्कैल्पिंग। सबसे छोटा से छोटा और क्या होता है स्कैल्पिंग और सबसे बड़ा से बड़ा क्या होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया, इस सबको शेयर को खरीद के रख लो और मार्केट जब भी इसका पावर हाई हो तो बेच दो, कम में खरीदो ज़्यादा में बेच दो, कम में खरीदो ज़्यादा में बेच दो। ठीक है, ये सारे शेयर में होल्डिंग में रख रखा हूँ, इसे 2-3 साल तक रखूँगा यार। 6 पैसे से आएगा क्या, मैं 600 से आया क्या, इतना तो लॉस ही कर चुका हूँ मैं ये सारा मैं लॉस। ये देखो हाँ ये देखो, हिंदुस्तान में मैंने फ्यूचर ऑप्शन किया 400 का लॉस और सेंसेक्स में मैंने एक्सपायरी के दिन किया, एक्सपायरी के दिन बता रहा था मैंने 200 रुपये में प्रीमियम खरीद कर रखा था और अचानक से 82 रुपये हो गए। चलो यार बुक करता हूँ बुक करते करते ही ज़्यादा इतना लॉस हो गया। हमारे साथ यही होता है, हमेशा यही होता है, जब खरीदूँ तो बढ़ेगा प्रॉफिट भी खाएगा और लालच आ जाएगा और बढ़ेगा बस लॉस हो जाता। चलो मैं बता दिया तो इन्वेस्टमेंट के बारे में और बताता हूँ इंट्राडे के बारे में। क्या बताता हूँ इंट्राडे के बारे में, तो पहले मैं जाता हूँ इंट्राडे में, कम से कम मैं
ट्रेडिंग करता था इंट्राडे में, सब कुछ वो छोड़ के इंट्राडे में सब कुछ स्विंग ट्रेडिंग में मैं यहीं से एनालाइज करता था। ये सारा स्टॉक को चुन लिया था मैंने, कॉपी करके पेस्ट करता था और जब देखता था कि मार्केट यहाँ से जाएगा 30-40% लेके रिटर्न लेके निकल जाता था एक दो महीने में, ठीक है। लो पे खरीदा, हाई में बेच दिया, बस बात खत्म। ये सारा स्टॉक करता था मैं। स्विंग ट्रेडिंग बताता हूँ आपको, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने पहुँचा, ये सारा ये देखा मैंने, स्टॉक कोई भी हो या देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस लगाना पड़ता है, वो सब देखना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है। और स्विंग ट्रेडिंग में फिर सिर्फ मैं चार्ट देख के वो करता हूँ, ट्रेडिंग लेता हूँ। क्या करता हूँ, चार्ट देखा मैंने, ट्रेडिंग लिया, लॉस हो रहा है निकल गया, प्रॉफिट हो रहा है रहने दे रहा है, प्रॉफिट से गिर रहा है मार्केट निकल जाता हूँ, बस बात खत्म। हमें कोई मतलब नहीं है कौन सा एनालिसिस है, कौन सा वो है, ठीक है। हम भाई पहले तो मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया, अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे चुनते हैं, मैंने गूगल पे गया, वहाँ पे सर्च किया सेंसेक्स, वहाँ पे आ गया ये सारे, और मैंने हाई और आज सबसे हाई कौन है, आज सबसे लो कौन है। मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, 20-30% लेता हूँ निकल जाता हूँ, ठीक है। मैंने पहले टेक्निकल एनालिसिस देखा, चार्ट देखा, 6 महीने का देखा, साल भर का देखा, ये देखा, ये देखो मार्केट का मैक्सिमम देखो, दिन भर ये सब एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से, ये सब को आएगा कहाँ से, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से 162 ये सब आएगा कहाँ से, ये देखो यहाँ तक मार्केट ने, यहाँ तक तो देख लो, यहाँ से मार्केट कुछ नहीं किया, यहाँ से मार्केट 2023 जनवरी से कुछ नहीं किया डायरेक्ट यहाँ तक। अचानक ये मेरा हाई लेवल है क्या, मेरा 143 हाई लेवल है, और जैसे 143 में वो लगा तो अलार्म लगा लेते, क्या लगाता हूँ अलार्म, यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे कोई सा स्टॉक चुन लिया, कोई सा स्टॉक चुन लिया मैंने, कोई सा उसको कॉपी कर, फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे कम, ये स्टॉक चुन लेता हूँ, क्या करता हूँ ये स्टॉक चुन लेता हूँ, उसका चार्ट देखता हूँ, क्या देखता हूँ चार्ट देखता हूँ, इसका सबसे हाई लो ये देखो, ये देखो, ये क्या मैंने इसका हाई यहाँ पे लगाया था, क्या लगाया था हाई यहाँ पे लगाया था 218 रुपये, और मार्केट यहाँ से गिर गया, तो ये डबल बॉटम है, ये क्या है यहाँ से लाइन करेक्ट करेगा, यहाँ से डबल बॉटम है, ठीक है। मैं हाई देखता हूँ, हाई अगर हाई से ऊपर हो गया 218 से मैं ये प्लेट लड़ दूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और लगाऊँगा यहाँ पे 218 जैसे 218 से ये पहुंच जाएगा, हमारे मॉल में मैसेज आ जाएगा कि आपने अलार्म लगाया था 218 से, एवरी टाइम मैंने अलार्म सेट कर दिया, ठीक है। अब ये जब भी गिरेगा मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक जाएगा और मार्केट फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 218 पे आएगा, तो मैं बता देगा कि 218 पे आपके टारगेट प्राइस पे आ गया, आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं करता था, पहले गूगल पे जाता था और फिर ये सब को सर्च करता था, मैंने हाई पे चेक करता था हाई कौन सा है और अलार्म लगा देता था, क्या करता था अलार्म लगा देता था, कई सारे 50-100 स्टॉक में करता था मैं, डेली के डेली बेसिस पे करता था। तब मैं गया हाई चेक किया, अलार्म लगा दिया, जब भी हाई से ऊपर जाता था मैं बाय कर लेता था, और जब भी यहाँ से गया, मान लो मैंने यहाँ पे अलार्म लगाया था, मार्केट 143 से जैसे आएगा मार्केट, हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको अलार्म लगाया था, आपके टारगेट प्राइस पे आ गया, और मैंने यहाँ पे बाय किया, और यहाँ पे मार्केट यहाँ तक चल गया, मैं मार्केट लग रहा है यहाँ से गिर रहा है, मैं मार्केट लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आया, मैं यहीं पे निकल जाऊँगा, यहाँ पे प्रॉफिट लेके बुक डन, फिर मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा, अब लगेगा यहाँ से मार्केट फिर बढ़ रहा है, फिर मैंने यहाँ पे इंटर करूँगा, यहाँ पे इंटर नहीं करूँगा मैं, फिर यहाँ पे इंटर करूँगा, फिर यहाँ पे यहाँ से करूँगा, ऐसे करता था मैं, ठीक है। ले तो देख लेता हूँ तुम्हें बता देता हूँ, फिर ऐसे करता था मैं, फिर यहाँ पे फिर टॉप को सेलेक्ट करता था, फिर कोई स्टॉक सेलेक्ट करता जो हाई पे, कौन सा जो हाई पे, इसी सेलेक्ट करें मैं दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ, इसी तरह रोज का यहाँ पे डेली बेसिस पे बताता है, चाल तरफ मैं तरफ मैं तरफ मैं टेक्निकल यहीं पर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ एक दो महीने के लिए, ठीक है। निकल ये देखो, ये मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो इसमें मैं निकल जाऊँगा यहाँ से,
यहाँ से निकल जाऊँ। फिर तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे ये मार्केट अब यहाँ से बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे इस स्टॉक को छोड़ दूंगा मैं, उस स्टॉक को चुनूंगा जो कि बढ़ रहा है, उस स्टॉक को चुनूंगा जो कि हाँ हाँ ये देखो ये रहा ना। मैं फिर यहाँ पे अलार्म लगाऊंगा, यहाँ पे 284 रुपये पे, कितने पे लगाऊंगा 284, ये तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, मैं ये इस स्टॉक से निकल जाऊंगा, मैं इस स्टॉक से क्या करूंगा निकल जाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, मैं तो बता दिया कि स्टॉक यहाँ से चुनो, यहाँ से सिलेक्शन करो, इतना हाई आ रहा है, इतना लो आ रहा है, यहाँ से शेयर करो, सबको एनालिसिस देखो, चार्ट देखो, फलना करो, सबको देख लो, समझ लो। देखो यार तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि जैसे ये शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, जैसे तुम स्विमिंग करते हो ना, कोई तुम्हें बता सकता है कि ये स्विमिंग पीडीएफ दे दिया तुम्हें, दे दिया कि ड्राइविंग का पीडीएफ दे दिया, किताब दे दिया, तुम पढ़ के ड्राइविंग और स्विमिंग कर लोगे, नहीं कर पाएगा, नहीं चला पाओगे गाड़ी, जब तक तुम अपने से नहीं करोगे, जब तक तुम अपने से डीमैट अकाउंट नहीं खोलोगे, बाय नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे, या फिर कुछ नहीं, हाथ पाँव नहीं मारोगे, तुम सीख ही नहीं सकते स्विमिंग में। अगर तुम याद करो, अगर तुम तैर रहे थे, तुम तैरना जब सीख रहे थे, मैंने पता तुम तैर रहे, तैरना सीखे भी हो या फिर नहीं, मैं तो सीखाऊँ यार, क्या तुम्हें पानी ने पिया था सबसे पहले तैरने के लिए? हाँ पानी तो पीना पड़ता है भाई, मौत से लड़ा था मैंने तैरने के लिए, तैरना सीखने के लिए किससे लड़ा था? मौत से, डूबने का भी डर होता है, इसीलिए गुरु होना चाहिए, तुम हाथ पाँव मारो, गुरु तो होना चाहिए भाई, बचाने के लिए तो गुरु तो होना चाहिए, तो गुरु यहाँ से सीख साख लो, उस पर हाथ पाँव मारते रहो, डूबो मत, क्या करो अभी फ्यूचर ऑप्शन मत करो, ये सब शेयर उर खरीदो, ये सब सारा शेयर गूगल पे सर्च करो, दिन भर देखते रहो भाई, इंडिया के जितने भी स्टॉक है सब पे नज़र रखते रहो, कराते रहो, मुझे किस तरह पैसा मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, फ्यूचर ऑप्शन मत करना। ये तो बता दिया स्विमिंग ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस करने के लिए बता दिया, स्टॉक के हाई लो के लिए भी बता दिया, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया। अब जाता हूँ मैं इंट्राडे, इंट्राडे में भी यही होता है, इंट्राडे में भी क्या होता है, यही होता है। अगर आपको इंट्राडे में कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए, 5-6% चाहिए ना, 10-15%, मैं इस सबको सिलेक्ट करूँगा। हाई लेवल पे कौन है, हाई लेवल पे कौन है, नहीं इसमें से ज़्यादातर चांस होता है वो जो स्टॉक आज 4-5% रिटर्न दे दिया ना, जो मार्केट अभी पूरा दिन तक, जो स्टॉक्स एक साल तक साइड बेस है, वो अभी 4-5% आज रिटर्न दिया। जैसे यहाँ पे कोई स्टॉक होगा जो अभी एक साल से साइड बेस हो, 4-5% रिटर्न दे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये कब से बढ़ रहा है। चलो ये बढ़ रहा है 11 जनवरी से, 11 जनवरी पे से इतना बढ़ रहा था, और कुछ दिन तक साइड बेस है, मैं छोड़ दूंगा इसको, क्या साइड बेस है तो छोड़ दूंगा मैं इसको, गिराने के लिए कोशिश कर रहा है ये। अब देखो एक महीने में इतना सारा बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इस पर मैं सुनू इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा, क्या करूँगा इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा इस पर मैं, ठीक है। अगर मार्केट लग रहा है एक वीक में, ये देखो मैं यहाँ तक करूँगा, यहाँ तक 240 तक इंट्राडे, ये ज़्यादा तक चांस है, यहाँ तक मार्केट आएगा और फिर मार्केट यहाँ से ही गिरेगा, तो उसी तरह मैं सिलेक्ट करता हूँ इंट्राडे के लिए भी, इंट्राडे के लिए 10-15% लेता हूँ, निकल निकल जाता हूँ, बात करता हूँ ज़्यादा से करता हूँ, बात करता हूँ, और यहाँ से लॉस पे मैं क्लिक करता हूँ, लॉस पे इंट्राडे करने के लिए लॉस और प्रॉफिट दोनों को देखना पड़ता है, ठीक है। मैं वैसा सिलेक्ट करूँगा जो मार्केट बहुत सारा गिर गया, क्या हो गया, बहुत दिन से मार्केट गिर रहा है, क्या कर रहा है ऐसा स्टॉक, इसलिए ये देखो यार ये इतना सारा गिरा है, 195 से लेके एक, ये पेंडिंग स्टॉक में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि इसमें वो ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सब रहता है ना, पर मैं पहले इस पर एम के पॉइंट पे जाता हूँ, यहाँ मैं स्टॉक को चुनूंगा जो 10% गिरा हो, कुछ दिन से गिर रहा हो, इसी तरह स्टॉक को चुनूंगा, उस पर इंट्राडे करूंगा, ठीक है। ये सारा स्टॉक पे चुनूंगा मैं, इस पर चुनूंगा, इसको इंट्राडे करूंगा, बाय और सेल करूंगा एक ही दिन। इंट्राडे में क्या होता है, नौ शुरू मार्केट जब शुरू हो गया, ये देख
ऐसे स्टॉक में बिल्कुल अवॉइड करूंगा, क्या करूंगा अवॉइड करूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे स्टॉक। मार्केट में जब भी तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत टॉप लेवल पे है, इतना इसकी औकात नहीं है, तुम मार्केट के एक बार ग्राम नंबर चेक कर लो। ग्राम नंबर वो नंबर होता है मार्केट का, एक्चुअल प्राइस क्या है, क्या है एक्चुअल प्राइस। इसे डिमांड और सप्लाई के बारे में बात होता है ना, इसे टमाटर था अगले वीक में था 200 रुपये किलो था, हाँ 200 रुपये किलो, फिर 50 रुपये किलो था। इसकी असली एक्चुअल रेट क्या है 50 रुपये, उसको कितना तक ले गया 200 रुपये डिमांड और सप्लाई की वजह से। इसी तरह स्टॉक में भी होता है, उसका डिमांड अगर बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर दोनों नॉर्मल हो वो तो आएगा, आप आएगा ही अपने ग्राम नंबर पे, ठीक है, वो ग्राम नंबर पे ही आएगा कुछ दिनों में। एक्चुअल प्राइस उसका जो भी है, ग्राम नंबर जरूर चेक कर लो। ग्राम नंबर में बता देता हूँ ग्राम नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे जाओगे गूगल पे और ग्राम नंबर सर्च करोगे, गड़ा गोरा हम ग्राम नंबर, ग्राम नंबर सर्च करोगे और यहाँ पे जाओगे इमेज में जाओगे, पता चल जाएगा ग्राम नंबर क्या होता है। ये देखो ये रहा, ये रहा ग्राम नंबर, ठीक है। अर्निंग दो पॉइंट फाइव अर्निंग पर शेयर गुना बुक पर वैल्यू, ये होता है ग्राम नंबर किसी भी शेयर का, ठीक है। इसी तरह आपको पता करना है किसी भी शेयर का ग्राम नंबर, अर्निंग पर शेयर प्रोजेक्ट में ये सब होता है। इसमें से ज़्यादातर एक बार जाओगे स्क्रीन डॉट को वहाँ पे पता चल जाएगा ग्राम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो बता दिया मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी बता दिया, क्या कह दिया स्विंग ट्रेडिंग बता दिया, स्टॉक को चुनने का वो भी बता दिया, स्टॉक कैसे चुना जाता है। मैं जाता हूँ स्कैल्पिंग पे, मैं क्या जाता हूँ स्कैल्पिंग में जाता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन में जाता हूँ, क्या जाता हूँ फ्यूचर ऑप्शन जानने को। कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं इसीलिए कुछ, चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर ऑप्शन में जाता हूँ। एक डेढ़ घंटे हो गए, एक डेढ़ घंटे कहाँ हो गए, 28 मिनट तो आई है। चलो मैं तो ज़्यादातर अभी तक मैं 10,000 का लॉस कर चुका हूँ, प्रॉफिट करता हूँ। प्रॉफिट मेरा ये देखो यार, मेरा बताया ना प्रॉफिट दिखाता है मगर प्रॉफिट कर नहीं पाता हूँ, लॉस में निकलना पड़ता है, या 200-300 रुपये का लॉस में प्रॉफिट में निकलना पड़ता है। ये देखो मैंने इंडेक्स में प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग करना छोड़ दिया, इंडेक्स में क्या करना ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करने का। अगर मार्केट बुलिश है तो करने का, बेरिश है तो करने का, साइडवेज है तो निकल जाने का, मैं यही सोचता हूँ। मार्केट में साइडवेज हो तो निकल जाओ, बुलिश है तो एंटर करो, बेरिश है तो एंटर करो, साइडवेज है मार्केट गवाएगा पैसा, गवाएगा लालच देगा वो करेगा, ठीक है। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, मैंने साइडवेज में बहुत सारा पैसा कमाया, इसी तरह मैं वो करूँगा, साइडवेज आप मत करो। ये निफ्टी का चार्ट है, कुछ दिन तक मार्केट साइडवेज रहा था, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट साइडवेज रहा। मैंने इसमें सारा ज़्यादा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, अचानक मार्केट बढ़ता है अचानक गिरता है अचानक बढ़ता है। जब ये हाई लेवल पे क्रॉस कर 21,800 जब भी क्लोज करे तब यहाँ से ट्रेड लो, 21,800 पे जब भी क्लोज कर दे तो वहाँ पे कॉल खरीद लो और मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा 21,800 पे, ठीक है। हाई लेवल टच करो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया तो होगा एड, तो ये सब का चार्ज करता है यार, फ्री में थोड़ी बताएगा तुम्हें कॉल पुट क्या होता है। ये तो मैं बता रहा हूँ कॉल पुट होता क्या है, मैं तो छोड़ दिया हूँ, मैं इंडेक्स को छोड़ दिया हूँ, स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे स्टॉक पे पहले रिलायंस के स्टॉक पे, तो रिलायंस को मैं देख रहा था पिछले 2-3 महीनों से ये मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, क्या हुआ था गिरा हुआ था, यहाँ से नहीं गिरा था, साल के स्टॉक से गिरा हुआ था। हमें लग रहा था मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, मुझे नज़र पड़ा यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे नज़र पड़ा था, यहाँ इस साइड मार्केट अचानक भाई साहब यहाँ से मुड़ गया,
2400 से डायरेक्ट ये यहाँ पे चला गया 2500, 2500 से डायरेक्ट देखते देखते मेरी आंखों के सामने कुछ दिन तक साइडवेज रहा और अचानक जैसे 1000 पे पहुंच। यहाँ पे मैंने 1900 का प्रॉफिट किया था यहाँ पे ये स्टॉक में 2500 से लेके यहाँ तक का 84 रुपये का 1900 का प्रॉफिट लगातार कर ही गया था मैंने और फिर कमाई भी दिया यहाँ पे। कुछ दिन साइड बेच रहा, हमें लगा मार्केट बढ़ेगा यार, बढ़ेगा ये बढ़ेगा, प्रीमियम मेरा पैसा खा गया साइड बेच में। ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है पहले मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है ये कॉल पुट, यहाँ पे जाओगे यहाँ पे कौन ही पाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग। हर स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता, इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी हो, ज़्यादा मार्केट कैप हो, ज़्यादा दिन भर में कम, उसका कुछ रेगुलेशन रहता है। इतना ज़्यादा मार्केट में बाय सेलिंग हो रहा है तो आप में ऑप्शन ट्रेडिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं तो नहीं होगा ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मैं ये बता देता हूँ आपको, ये ऑप्शन ऑप्शन चार्ट है। क्या है? ऑप्शन चार्ट। तो ऑप्शन चार्ट में अगर आपको सीखना हो तो ये स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन स्टेट है। अगर मार्केट हमें लग रहा है रिलायंस, पहले तो हम वो करते हैं, क्या करते हैं पहले हमें, पहले तो हम चार्ट देखते हैं मार्केट का, मार्केट कहाँ तक जाएगा और कितना टाइम तक जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ में रिलायंस करता हूँ। मार्केट में पहले व्यू देखता हूँ कि मेरा व्यू क्या है, मैंने अभी तक एक साल में सीखा क्या हूँ। मैं व्यू देखो, किसी को इंसान को अगर तुम बताओगे कि तुम ये करो, कोई वो आइडिया बनाओ, कोई वो करो, क्या कहता है उसको प्रोग्राम, वो तो वही करेगा ना जितना उसके पास दिमाग हो पहले से। ऐसे थोड़ी उसके पास कुछ भी नहीं हो वो करने लगे, नहीं भाई साहब वो होना चाहिए। एक 700 साल में मैंने जो भी किया उस तरह से मेरा जो है जो भी है यार, एक साल से जो मैंने सीखा उसी तरह मैं व्यू चेक करता हूँ कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करता हूँ, व्यू चेक करता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ मैं कॉल लेना या फिर पुट लेना। अगर मेरा व्यू होता है बुलिश है तो मैं कॉल बाय करता हूँ, अगर मेरा व्यू है बेरिश है तो मैं पुट बाय करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेल करने के लिए वो रखता है, ज़्यादा चार्ज लगता है सेल करने के लिए, सिक्योरिटी लेता है कम से कम 1-2 लाख तक, तो मैं वो ज़्यादा अवॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। तो मैं दिन भर में इसी तरह में, अगर लग रहा है मैं मार्केट रिलायंस यहाँ से 2700 से कहाँ जाएगा, 2800 पे जाएगा, क्या जाएगा 2800 पे जाएगा, 2800 रुपये का 1620 ये 16 रुपये प्रीमियम। अगर ये 25 जनवरी से पहले, मतलब 25 जनवरी को एक्सपायरी है ना इसका, अगर ये 20 जनवरी तक पहुँच गया 28, ये भी हो रहा है कम से कम, आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी से ये 20 जनवरी 6 दिन में ये 2800 पहुंच गया तो मेरा 16 रुपये का प्रीमियम कम से कम 30-35 रुपये बढ़ जाएगा। अगर नहीं पहुंचा ये 25 जनवरी तक तो ये मेरा प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ये रहा ना, इतना 0 हो जाएगा, 0.5 रुपये बचेगा। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे और जाऊँगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं फरवरी का बाय करूँगा, क्योंकि फरवरी तक तो छोड़ दूँगा, फरवरी तक तो टाइम वेस्ट लूँगा ही मैं, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं। कुछ ज़्यादा ही पैसे लगे मगर फरवरी तक का लेना बोलो, 1 महीने का पहले से लेना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादातर मार्केट साइड वेस्ट रहते हैं, जान बूझ के रिटेलों को लालच देते हैं और रिटेलों को लगता है कि मार्केट बढ़ेगा मगर बढ़ता नहीं है, मार्केट साइड बेस रह जाता है। मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर प्रीमियम में देखूँ मार्च तक का प्रीमियम इतना गिरा यार, इतना गिरा, गंदी तरह से गिरा था, चलो मैं 2800 हमें लग रहा है यहाँ से मिल गया 47 रुपये, कोई बात नहीं 47 रुपये दे दूंगा प्रीमियम। आपको अगर पता नहीं तो रिलायंस का लॉट साइज, ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करते हैं ना तो एक दूसरे से आपको नहीं करना पड़ता, उसका कुछ लिमिट रहता है, लॉट साइज रहता है, क्या रहता है इसका लॉट 250 का है, निफ्टी 50 का 50 का है, बैंक निफ्टी का 75 का है कुछ इसी साइड से, और MRF का 10 का है कुछ इसी तरह, हिंदुस्तान लीवर का 300 का लॉट साइज है जो मैंने किया था, इस हिसाब से इसका बन रहा है कितना पैसे बन रहा है 12,000।
12,000 कुछ रुपए बच रहा है, ठीक है। अगर आप अभी लगा दें फरवरी तक में, तो आपका बन जाएगा 12,048 रुपये का प्रीमियम, कम से कम 8,000 रुपये तक चला जाएगा। 12,000 डायरेक्ट 24,000, ठीक है। 12,000 डायरेक्ट 24,000 तक पहुंच जाएगा। तो पहले मार्केट ये होता है, क्या होता है ये ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। क्या होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। अब मैं जाता हूँ स्कैल्पिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग होता है मैंने बताया ना, इसकी डिलीवरी की नहीं होता है इसमें। स्कैल्पिंग के लिए मैं बताता हूँ, मैं अगर मैं वो स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं तो ज़्यादातर इंडेक्स में स्कैल्पिंग करता हूँ। अगर मार्केट बाय करता हूँ, अगर मार्केट बेडी से तो फिर बाय करता हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एक दिन के चार्ट में, एक दिन के चार्ट में जाऊँगा मैं, और फिर इसको ऐसे करूँगा यार क्या है। चार्ट तो सही से लगा ले पहले, क्योंकि ये चार तो लगा ले। अबे यार पहले पहले फॉर्म के प्रति देखने आप लाइन में कैंडल सेलेक्ट करता हूँ, कैंडल पे कुछ मैं कर रहा हूँ यार। ये हो गया, क्या हो गया, ये स्कैल्पिंग करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं यहाँ से ऐसे रजिस्टर में सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे लैंड करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं रूल्स। मार्केट में हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करोगे तो लॉस कभी नहीं होगा। ये हमें 10,000 लॉस होने के बाद पता चला है पहले तो पता चलता नहीं था रूल एंड रेगुलेशन होता क्या है। ये देखो मार्केट ओपन हुआ 12 जनवरी को, कुछ संडे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, बंद रहता है मार्केट, मतलब छुट्टी है सरकारी छुट्टी, सरकारी छुट्टी 12 जनवरी से लेके यहाँ तक। ये देखो 12 जनवरी को ओपन हुआ, ये 11 यहाँ तक तो बुलिश था। मैं ट्रेन 9 बजे से मैं ट्रेन करता ही नहीं हूँ 10 बजे तक, क्योंकि यहाँ जाता था बोलो ट्रेडी रहता है। यहाँ गैप ओपन हुआ था मार्केट, यहाँ देखो, यहाँ देखो गैप, यहाँ पे सिग्नोमोची ट्रेडिंग को लगाता है, यहाँ पे ये लगाता है, यहाँ पे ऐसे क्या, और फिर ऐसे लगाएगा ये ऐसे ऐसे। ये होता है स्कैल्पिंग, क्या होता है स्कैल्पिंग होता है, ये क्या होता है। इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है, और इतना ज़्यादा टारगेट रखेगा। ये ट्रेड में लग रहा था, ये अबाउट किया मैंने, क्या क्या अबाउट किया, ये मार्केट 9:26 से मैं लेके 10 तक ट्रेड नहीं करता हूँ, 10 बजे तक ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे 1 बजे से 12-2 बजे तक करता हूँ बस, जब मौका मिल जाए, ठीक है। तो मैंने रजिस्टेंस सपोर्ट कर दिया यहाँ से, मार्केट पहला टारगेट ओपन कर रहा था, मैं पता था यहाँ से मार्केट सिग्नोमोची ट्रेड लगाया, यहाँ से गैप अप खुला, यहाँ से आधा लेके नहीं ऊपर जा रहा है, हमें लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, तो यही ट्रेड अवॉइड किया मैंने, और फिर यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे रजिस्टर ने सपोर्ट कर दिया हूँ, यहाँ से मार्केट साइड बेच देखे, यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे डायरेक्ट ऐसे 200-300 का पॉइंट लगे अब तक, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ तक करूँगा और बुक करके निकल जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक साइड बेच रहा, अब मार्केट यहाँ से रजिस्टेंस, ये क्या ये सब रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस को क्या कर रहा है तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ से लूँगा इसको, यहाँ से इसको लूँगा और यहाँ तक चेंज करूँगा।
जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसका बीच में स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा हिट ना हो। क्यों ऐसा हमारा इसी तरह होता है, स्टॉप लॉस हिट करा के मार्केट अचानक से ऊपर चला जाता है, क्या होता है ऊपर चला जाता है मार्केट। यहाँ से भी मार्केट यहाँ से 60-200 पॉइंट डबल पैसा हो जाता है, यहाँ पे डबल 3 पॉइंट, इसी तरह स्कैल्पिंग होता है। बाय करता मैं इसको, सेल करता। वीडियो ज़्यादा कुछ लंबा हो रहा है, 47 मिनट का हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग में बता दिया हूँ, इन्वेस्टिंग में बता हूँ, शॉर्ट कोड में बता दिया हूँ। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और मैं दिखाता हूँ एक आइडिया का डाटा इस तरह से बेची जाएगा।